हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। और उसी में से हमारा जो पहला टॉपिक निकल कर आता है वो आता है राजस्थान के प्रमुख मुस्लिम संत। तो राजस्थान की जितने भी मुस्लिम संत हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे स्टार्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जो पहले संत हैं उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर मेन मेन बातें की जाए तो मेन मेन बातें क्या हो जाएगी? पहली बात आपको ध्यान रखनी है इनका जन्म, कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है ये हुआ है सिंजरी। सिंजरी गांव है जो पड़ता है सिस्तान, और सिस्तान प्रांत जो है ये पड़ता है ईरान में। तो इनका जन्म कहाँ हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है सिंजरी, सिस्तान, ईरान के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है, इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? गरीब नवाज। तो इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो बात की जाए इनके गुरु कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो उनका नाम ध्यान रख लेना उस्मान हारून। उस्मान हारून, उस्मान हारून जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु रह चुके हैं। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म तो ईरान में हुआ है, लेकिन इनकी जो मस्जिद है वो अजमेर में स्थित है। तो इनकी जो मतलब ईरान से भारत ये कब आए, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये ईरान से भारत आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में, तराइन के युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। तो ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में तराइन के युद्ध के दौरान, तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान भारत आए। ठीक है, अब भारत आए तो इनकी मस्जिद का निर्माण किया गया। तो इनकी मस्जिद का निर्माण किसने किया ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो मस्जिद का निर्माण है, इनकी मस्जिद का निर्माण आपके सामने दो व्यक्ति निकल कर आते हैं। देखो, राजस्थान की जो किताबें हैं वो तो कहती है कि इल्तुतमिश ने किया, और जो इंडियन हिस्ट्री की किताबें हैं वो कहती है कि मोहम्मद तुगलक ने इनकी मस्जिद का निर्माण किया। तो दोनों जगह विवाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं दोनों नाम लिख देता हूं। तो इनकी मस्जिद का जो निर्माण है वो किया जा रहा है इल्तुतमिश के द्वारा। इनकी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इल्तुतमिश के द्वारा। और कई किताबों में आपको मोहम्मद तुगलक भी मिल जाता है, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो इनकी मस्जिद का निर्माण कौन कर रहा है? इल्तुतमिश कर रहा है। ये कैसी मस्जिद बना रहा है? तो ये कच्ची मस्जिद बना रहा है। ठीक है, इनकी मस्जिद का जो पक्का निर्माण है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहीं पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कि इनकी जो अजमेर में स्थित दरगाह है उसमें एक जुम्मा मस्जिद है, और उस जुम्मा मस्जिद का निर्माण उस जुम्मा मस्जिद का निर्माण कौन कर रहा है? शाहजहां के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर जो जुम्मा मस्जिद है उस जुम्मा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? शाहजहां के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगली बात ध्यान रखनी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब लगता है।
तो इनका उर्स जो है ये पहली से छठी रजब तक लगता है, पहली से छठी रजब तक लगता है। ठीक है, ये जो जुम्मा मस्जिद है इसका निर्माण शारजा ने किया था। ठीक है, ये वही मस्जिद है जहां पर छत्रपति साहू ने नजराना भेजा था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इस जुम्मा मस्जिद में ही मराठा सरदार था ना छत्रपति साहू, तो छत्रपति साहू ने नजराना भेजा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी मस्जिद थी राजस्थान की जहां पर छत्रपति साहू ने नजराना भेजा, तो ध्यान रख लेना जुम्मा मस्जिद। जुम्मा मस्जिद का निर्माता शाहजहां, ठीक है, और छत्रपति साहू ने यहां पर नजराना भेजा था। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें हो गई हमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में हम बात करेंगे अगले मुस्लिम संत की जिनका नाम है नरहर के पीर। तो नेक्स्ट मुस्लिम संत हो जाएंगे नरहर के पीर। नरहर के पीर, ठीक है। मेन मेन बातें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहला तो इनका जन्म, तो इनका जो जन्म है या इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है, चिड़ावा। और चिड़ावा कहां पड़ता है, तो चिड़ावा पड़ता है झुंझुनू में। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है नरहर के पीर की, तो दूसरी बात आप ध्यान रख लेना इनके उपनाम, इनके क्या क्या उपनाम है। तो इनके दो उपनाम आपको देखने को मिलते हैं। पहला उपनाम आपको देखने को मिलता है बागड़ का धनी, बागड़ का धनी, धनी नी अणी दोनों आ जाता है, बागड़ का धनी। बागड़ और वागड़ अलग अलग है भाई। वागड़ क्षेत्र हो गया कौन सा, डूंगरपुर प्रतापगढ़, ठीक है, और बागड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बागड़ क्षेत्र हो जाता है सेखावटी वाला क्षेत्र, तो इनको बागड़ का धनी कहा जाता है, वागड़ मत कर देना, ठीक है, बागड़ का धनी। और दूसरा इनको कहा जाता है सक्कर पीर बार, सक्कर पीर बार। ठीक है, कई बार नरहर का पीर नाम ना देकर आपको क्या नाम दे दिया जाता है, सक्कर पीर बार की दरगाह कहाँ है, तो कंफ्यूज मत होना, चिड़ावा झुंझुनू में ही है। ठीक है, उपनाम के बाद देखो अगर बात की जाए इनके शिष्य की, इनका एक प्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम था सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती, ठीक है, दरगाह की विशेष बात क्या हो जाएगी, तो ये जो नरहर के पीर बाबा हैं इनकी दरगाह में पागलपन का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो मेन बात क्या हो जाएगी कि पागलपन, पागलपन के रोगी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, पागलपन के रोगी ठीक हो जाते हैं। और देखो क्या बात ध्यान रखनी है, तो बस ध्यान रख लेना कि इनका उर्स कब लगता है। ठीक है, जो नरहर के पीर हैं इनका उर्स कब लगता है, तो इनका उर्स लगता है भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कि जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। ठीक है, इनका उर्स कब लगता है, इनका उर्स जो है वो लगता है जन्माष्टमी पर। ठीक है, और इसी उर्स को सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स भी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेन मेन बात हो गई नरहर के पीर से रिलेटेड, इसको आप नोट कर लो फटाफट। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट है पीर फकरुद्दीन। तो नेक्स्ट संत आ जाएंगे मुस्लिम संत पीर फकरुद्दीन, पीर फकरुद्दीन। पीर फकरुद्दीन की मेन मेन बातें क्या है ध्यान रखनी है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली तो इनकी दरगाह कहाँ है, दरगाह या इनका जन्म, दरगाह या इनका जन्म जो है वो है गलिया कोट, गलिया कोट। और गलिया कोट कहाँ पड़ता है, तो गलिया कोट पड़ता है डूंगरपुर में। ठीक
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। और दूसरी पीर फखरुद्दीन की इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि दाऊदी बोरा समाज के संस्थापक हैं, ठीक है, दाऊदी बोहरा समाज के संस्थापक, तो इनको दाऊदी बोरा समाज का संस्थापक भी कहा जाता है। पीर फखरुद्दीन के बाद में नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं संत, उनका नाम है शेख हमीमुद्दीन नागौरी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। मेन मेन बातें क्या हो जाएगी, तो पहला तो इनका जन्म, पहला इनका जन्म, जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है सुवल गांव, सुवल गांव, और सुवल गांव पड़ता है नागौर में, ठीक है। इनके गुरु का नाम ध्यान रख लेना भाई, इनके गुरु का जो नाम है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इन्हें सुल्तान उल तारकिन कहा जाता है, सुल्तान उल तारकिन, सुल्तान उल तारकिन का मतलब क्या हुआ कि सन्यासियों का सुल्तान, और सुल्तान उल तारकिन की जो उपाधि है इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी की अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन्हें सुल्तान उल या उत तारकिन, उल भी मिल जाता है, उत भी मिल जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, तारकिन ध्यान रखना। सुल्तान उत तारकिन किसे कहा जाता है, यानी कि सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। इन्हें सुल्तान उल तारकीन कहा जाता है, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि एकमात्र संत थे जो कृषि से अपनी आजीविका चलाते थे, ठीक है, एकमात्र संत या पीर जो कृषि से अपनी आजीविका चलाते थे, कृषि से अपनी आजीविका चलाते थे, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी की बस एक बात आप लोग और ध्यान में रख लेना कि इनकी याद में इल्तुतमिश ने नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया, ठीक है। तो बस एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि शेख हमीमुद्दीन नागौरी की याद में इल्तुतमिश ने इनकी याद में, इनकी स्मृति में नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनवाया, अतारकिन का दरवाजा बनवाया, ठीक है। तो ये मेन मेन बात हो गई हमारी किससे रिलेटेड, शेख हमीमुद्दीन नागौरी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ढाई दिन का झोपड़ा, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा, ठीक है। तो ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है भाई, तो ये स्थित है अजमेर में, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो इसका निर्माण कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और क्या बात ध्यान रखनी है,
और बात ध्यान रख लेना कि पहले ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ये एक संस्कृत पाठशाला थी कंठावरण, ठीक है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। तो उसी कंठावरण पाठशाला को तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी जगह 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, ठीक है। और राजस्थान की ये पहली तुर्क मस्जिद है, ठीक है, ये मेन मेन इसके फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यह है संस्कृत पाठशाला कंठावरण थी, यह संस्कृत पाठशाला कंठावरण थी जिसको जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो और बात ध्यान रख लेना कि यह राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है, यह राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है, ठीक है। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, पंजाब साहब पीर बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यहां पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है, ठीक है। इसकी दीवारों में अभी भी आपको जो ये संस्कृत पाठशाला थी कंठावरण, तो संस्कृत के लिखे हुए लेख आपको मिल जाएंगे। विग्रहराज चतुर्थ जो था ये बहुत बड़ा राइटर भी था, इसने एक नाटक की रचना करी थी जिसका नाम था हरिकेली, ठीक है, हरिकेली नाटक की इसने रचना करी थी। और हरिकेली नाटक के जो अंश है वो आपको अभी भी इस 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेन मेन बातें होगी देखो 2.5 दिन के झोंपड़े से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की अन्य मस्जिदें और उनका स्थान, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। मेन मेन मैंने आपको करा दिया, मस्जिदों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग लगानी है राजस्थान की अन्य मस्जिदें, राजस्थान की अन्य मस्जिदें या दरगाह, ठीक है। तो वही लिखते जाओ, बस आपको इतना ध्यान रखना है मस्जिद और कहां पर स्थित है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहां स्थित है, तो ध्यान रख लेना इनकी दरगाह सांभर जयपुर में स्थित है। सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहां स्थित है, सांभर, और सांभर पड़ता है जयपुर में, सांभर झील के पास में इनकी स्थित है, ठीक है। दूसरी आपको ध्यान रखनी है मीरान शाह की दरगाह, इसकी मीरान शाह, और जो ये मीरान शाह है इन मीरान शाह की दरगाह आपको देखने को मिलेगी तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, ठीक है, मीरान शाह की दरगाह। मीरान शाह के बाद में ध्यान रख लेना धुल्ले या इन्हीं को ही खुल्ले शाह, ठीक है, या इन्हीं को ही दुल्हे सा या इन्हीं को ही कह दिया जाता है चोटिल सा। इनकी दरगाह कहां स्थित है, देखो दुल्हे सा खुल्ले सा धू है धनुष वाला धै, दुल्हे सा खुल्ले सा, ठीक है, दुल्हे सा या चोटिल सा, इसकी दरगाह कहां स्थित है, तो इनकी दरगाह स्थित है पाली में, ठीक है, पाली में स्थित है। नेक्स्ट आप ध्यान रख लेना मस्ताना बाबा की दरगाह, मस्ताना बाबा की दरगाह, मस्ताना बाबा की दरगाह कहां स्थित है भाई बताओ फटाफट, तो मस्ताना बाबा की दरगाह भी पाली में स्थित है,
मस्ताना बाबा की दरगाह। मस्ताना बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। मस्ताना बाबा के बाद में ध्यान रख लेना काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, और काका जी की जो दरगाह स्थित है वो स्थित है प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रख लेना काका जी की दरगाह के बारे में, इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल, ठीक है, कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है। कांठल किसे कहा जाता है? तो जो माही के किनारे जो होते हैं ना, माही का तीर, माही का किनारा, उसे क्या कहा जाता है? कांठल। तो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह को कहा जाता है। अगली दरगाह याद रख लेना मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह, और जो मीठे शाह की दरगाह है ये पड़ेगी गागरोन। गागरोन, और गागरोन पड़ेगा झालावाड़ में। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ हो गई? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह हो गई। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, मीठे शाह की दरगाह के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे बाला पीर की दरगाह। नेक्स्ट दरगाह हो जाएगी बाला पीर। बाला पीर की दरगाह, और बाला पीर की जो दरगाह है ये कहां पड़ती है? तो बाला पीर की दरगाह पड़ती है नागौर में। ठीक है, बाला पीर के बाद में ध्यान रख लेना आधार शिला की दरगाह। आधार शिला, आधार शिला की दरगाह, और आधार शिला की जो दरगाह है ये पड़ती है कोटा में। ठीक है, आधार शिला की दरगाह के बारे में बाद में ध्यान रखना शेर वाले पिनकारे बाबा की दरगाह, और इनकी दरगाह कहां पड़ती है? तो इनकी दरगाह पड़ती है कोटा में। ठीक है, तो शेर के पिनकारे वाले बाबा की दरगाह, शेर के पिनकारे वाले बाबा की दरगाह कहां पड़ेगी? तो ये दरगाह भी आपके पड़ेगी कोटा के अंदर। ठीक है, ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। शेर वाले पिनकारे बाबा के बाद में आप ध्यान रखना बड़े पीर की दरगाह। बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर की जो दरगाह है ये पड़ेगी नागौर में। तो बड़े पीर की दरगाह कहां पर है? नागौर में। और चिल्ला बड़े पीर की दरगाह एक और है, चिल्ला बड़े पीर, चिल्ला बड़े पीर की दरगाह। चिल्ला बड़े पीर की जो दरगाह है ये है अजमेर में। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। बड़े पीर की दरगाह पूछी जाए तब तो नागौर, और चिल्ला बड़े पीर की दरगाह पूछी जाए तो आप लोग कहां लगा के आओगे? अजमेर। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बड़े पीर बड़े पीर दोनों हैं तो नागौर लगाए जाते हैं। आप ध्यान रखना चिल्ला बड़े पीर अजमेर, और केवल बड़े पीर पूछे तो वो हो जाएंगे नागौर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तोपखाना मस्जिद। तोपखाना मस्जिद, देखो तोपखाना मस्जिद जो है ये आपको मिलेगी जालौर में। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था जब इसने जालौर पर आक्रमण किया था और कानड़दे चौहान को पराजित किया था। ठीक है, इसे अलाई मस्जिद भी कहा जाता है। जब मैंने अलाउद्दीन खिलजी का जालौर अभियान पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से इसको लिखवाया था। ठीक है, तोपखाना मस्जिद कहां पर है? जालौर में। फिर आपको ध्यान रखना है ऊषा मस्जिद। ऊषा मस्जिद, और ऊषा मस्जिद कहां है? तो ऊषा मस्जिद है बयाना, बयाना भरतपुर में। ठीक है, अकबर की मस्जिद। अकबर की मस्जिद, अकबर की मस्जिद कहां है भाई? तो अकबर की मस्जिद है जयपुर में। और अकबर का किला कहां है बताओ? अकबर का जो किला है मैगजीन फोर्ट जिसे कहा जाता है, अकबर का दौलतबाग, वो अजमेर में स्थित है। अकबर की मस्जिद कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, फिर ध्यान रखना इक मीनार मस्जिद। इक मीनार, इक मीनार मस्जिद, इक मीनार
मस्जिद, और ये जो एक मीनार मस्जिद है ये आपके पड़ेगी जोधपुर में। एक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे जामा मस्जिद। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद जो है ना, इसके बारे में आप ध्यान रख लेना कि जामा मस्जिद जो है ये राजस्थान में दो जगह है। ठीक है, एक तो जामा मस्जिद है भरतपुर में, एक तो जामा मस्जिद हो गई भरतपुर में, और दूसरी जामा मस्जिद हो जाएगी शाहबाद बारा। ठीक है, इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। जो बारा वाली मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा, भरतपुर वाली जो मस्जिद है जामा मस्जिद इसका निर्माण बलवंत सिंह के द्वारा किया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद की एक कॉपी है। ठीक है, तो जामा मस्जिद दो जगह है, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और एक ध्यान रख लेना, जुम्मा मस्जिद जिसे अभी हमने पढ़ा था, जुम्मा मस्जिद अभी जस्ट पढ़ा था। जुम्मा मस्जिद कहां पर है? अजमेर में। शारजहां ने इसका निर्माण करवाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मेन मेन हो गई मस्जिदें। मस्जिदों के बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मकबरे। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख मकबरे, दो तीन मकबरे आपको ध्यान रखने हैं, ज्यादा ध्यान नहीं रखने हैं। राजस्थान के प्रमुख मकबरे, इसमें से पहला आपको मकबरा ध्यान रखना है, फिरोजा का मकबरा। फिरोजा का मकबरा, जो फिरोजा का मकबरा है ये कहाँ है? जालौर में। फिरोजा कौन थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। जालौर का शासक था कानड़ देव, इसका पुत्र था बीरम देव। बीरम देव से फिरोजा प्रेम करती थी। ठीक है, जब जालौर का साका हुआ, जालौर का युद्ध हुआ, तो उसमें बीरम देव मारा गया। बीरम देव जब मारा गया तो फिरोजा ने यमुना में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीता, जालौर को कॉन्कर किया, तब उसने फिरोजा की याद में जालौर में एक मकबरा बना दिया, जिसे क्या नाम दिया गया? फिरोजा का मकबरा नाम दिया गया। ठीक है, फिर आप ध्यान रख लेना बीबी जरीना का मकबरा। बीबी जरीना, करीना मत कर देना, बीबी जरीना का मकबरा। बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर में। कहां पर है इनका मकबरा? धौलपुर में। बीबी जरीना के बाद में तीसरा ध्यान रख लेना रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा, और रजिया सुल्ताना का जो मकबरा है ये आपको देखने को मिलेगा टोंक राजस्थान में। तो रजिया सुल्ताना का मकबरा कहां पर है? टोंक में। ठीक है, एक और ध्यान रख लेना गुलाब खां का मकबरा। गुलाब खां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा है जोधपुर में। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें हो गई राजस्थान के प्रमुख मुस्लिम संत, राजस्थान की प्रमुख दरगाहें और मस्जिदें। ठीक है, इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा, आप लोग इसी को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कल से हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रमुख जैन संतों से लेकर हम आगे के जो प्रमुख निर्गुण और सगुण संत है उनके विषय में चर्चा करेंगे। ओके जी, बाय बाय।